दोस्तों, अमेरिका की एक पिज्जा चेन वाली कंपनी है इंडिया में, जो कि बोलती है हम अपना टमाटर और टमाटर सॉस भी अमेरिका से लेके आते हैं। वो हमारे इंडिया के किसानों से टमाटर सॉस और टमाटर ना खरीद के यूएस के किसानों से टमाटर खरीदती है, ताकि उसको इंडिया में कम टैक्स देना पड़े, इंडिया में अपना खर्चा ज़्यादा दिखा सके और अपनी कमाई यूएसए में भेज सके। तो दोस्तों, हम बताएंगे कि इंडिया में आप कैसे इस टाइप के बिजनेस को चैलेंज कर सकते हैं, कैसे अपना पिज्जा रेस्टोरेंट खोल के इन विदेशी कंपनी को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आप देख रहे हैं इनशेफ का यूट्यूब चैनल और ये वीडियो जरूर आपको काम की लगेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि कैसे आप एक प्रोफेशनल पिज्जा रेस्टोरेंट या पिज्जा रेस्टोरेंट की चेन खोल सकते हैं। उसके लिए चाहिए आपको वैसे ही इक्विपमेंट जिनमें विदेशी कंपनियां अपना पिज्जा बेक करती हैं, उसी तरह का सॉस चाहिए और उसी तरह का बेस आपको बनाना है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे मशीनरी के बारे में और कैसे आप उसी तरह का पिज्जा बना सकते हैं। तो जो सबसे पहली मशीन आपको दिखाने जा रहे हैं वो है पिज्जा कन्वेयर ओवन। ये एक इम्पिंजर ओवन है कि मतलब इसमें ऊपर और नीचे से गर्म हवा भी ओवन पे लगती है और इस पिज्जा कन्वेयर ओवन की बेल्ट चलती है। तो आपको पिज्जा यहाँ पे उस साइड से रखना है और आपका पिज्जा बेक होकर इधर से निकलेगा। तो इसमें पिज्जा बेक करना बहुत ही आसान है और क्योंकि इसमें गर्म हवा बहुत तेजी से चलती है तो पिज्जा अंदर तक अच्छे से बेक हो जाता है और इसमें बिल्कुल बढ़िया जैसे विदेशी पिज्जा चेन की पिज्जा में आता है उसी तरह का टेस्ट आप इस वाले ओवन से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये वाला पिज्जा ओवन किसी विदेशी कंपनी या विदेशी ब्रांड का खरीदते हैं तो आपको लगभग 5 से 7 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन हमने इस पिज्जा ओवन की कीमत 1,30,000 रुपए से भी कम रखी है। तो दूसरा इक्विपमेंट हम आपको दिखाएंगे, पिज्जा मेक लाइन। तो पिज्जा मेक लाइन का काम क्या होता है, आपको पिज्जा मेक लाइन पिज्जा पे टॉपिंग लगाने में हेल्प करती है। तो आइए देखते हैं पिज्जा मेक लाइन। तो दोस्तों, पिज्जा मेक लाइन के बारे में बात करने से पहले हम आपको दूसरे तरह का भी कन्वेयर ओवन दिखा देते हैं। इस कन्वेयर ओवन की कीमत 1,00,000 रुपए से भी कम है और इसकी बेल्ट साइज सेम है, यानी कि 20 इंची है और ये फुल्ली इलेक्ट्रिक पिज्जा ओवन है। तो और इसमें भी उसी तरह का पिज्जा बेक होता है। तो जो सबसे पहले हमने पिज्जा ओवन दिखाया वो इम्पिंजर पिज्जा ओवन था, जो कि गैस और फुल्ली इलेक्ट्रिक दोनों में अवेलेबल है, उसको आप पीएनजी पे भी बनवा सकते हैं। तो ये तो हो गई ओवन की बात, आइए अब वापस आते हैं मेक लाइन पे। तो आइए दोस्तों, वापस आते हैं मेक लाइन पे। तो मेक लाइन का क्या काम क्या होता है, पिज्जा पे टॉपिंग लगाना। अगर आप टॉपिंग इस तरह से नहीं रखेंगे, यानी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं रखेंगे, तो आपको टॉपिंग लगाने में बहुत समय जाएगा। तो मेक लाइन आपका बहुत सारा समय बचाता है, आप इजीली अपनी टॉपिंग मेक लाइन से उठा के अपने पिज्जा पे डाल सकते हैं। तो जैसे कि जो विदेशी चेन है वो बहुत ही फास्ट पिज्जा बेक करके आपको दे देती हैं, तो आपको पिज्जा बहुत स्पीड से बेक करना है तो आपको मेक लाइन जरूर चाहिए। मेक लाइन के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके हमारा मेक लाइन से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको उसी तरह की बेकिंग करनी है तो आपको उसी तरह का ओवन भी चाहिए। तीसरा जो मेन इक्विपमेंट जिसके बारे में बात करेंगे वो है स्पाइरल मिक्सर। तो दोस्तों, आमतौर पर लोग कहते हैं कि हम प्लानिटरी मिक्सर ले लेते हैं या हम छोटा क्रॉस मिक्सर या छोटा डो मिक्सर ले लेते हैं। तो दोस्तों, जो स्पाइरल मिक्सर होता है उसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि उसमें जो डो की नीडिंग है वो थोड़ी फास्ट होती है और डो में थोड़ी एरेशन भी आ जाती है, जिससे डो अच्छे से प्रूफ होता है और अच्छे से फूलता है। तो अगर आप पिज़्ज़ा का बिजनेस कर रहे हैं तो अपने डो नीडिंग के लिए आप स्पाइरल मिक्सर का ही यूज़ करिएगा। आप अगर अपना थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं तो आप प्लानिटरी मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि प्रोफेशनली स्पाइरल मिक्सर ही डो नीडिंग के लिए रिकमेंडेड है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे एक्सेसरीज के बारे में कि आपको अगर प्रोफेशनल लेवल का पिज्जा बेक करना है तो आपको किस तरह की एक्सेसरीज चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब आते हैं हम एक्सेसरीज के ऊपर। तो दोस्तों, जो पिज्जा मेकिंग में जो एक्सेसरीज यूज होती है हमने उनको यहाँ पे सजा लिया है। और अगर इन एक्सेसरीज के बारे में आप बहुत ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी पा सकते हो, जहां पे हमने पिज्जा एक्सेसरीज के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाया है। तो हम थोड़ा ब्रीफ में बात कर लेते हैं। तो ये पिज्जा कटर है, आमतौर पे हमें 2 पिज्जा कटर यूज करने चाहिए। एक आप वेज के लिए रिजर्व रख सकते हैं, तो वेज को आप ग्रीन से काट सकते हैं, और एक आप नॉन वेज के लिए रिजर्व रख सकते हैं। इससे आपके पिज्जा जो आपके कस्टमर को सही पिज्जा मिलेगा। ये पिज्जा कटर दिखाया हमने। उसके बाद ये पिज्जा के अगर आप पिज्जा को सर्व कर रहे हैं तो ये सर्विंग में काम आता है। पिज्जा की आप एक पाई लेके अपने कस्टमर को सर्व करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पैन ग्रिपर है, क्योंकि पैन जब पिज्जा हम बेक करते हैं पैन में तो पैन गर्म हो जाता है, तो आप पैन ग्रिपर की सहायता से इसको आसानी से उठा सकते हैं। दोस्तों, ये भी सर्विंग में काम आता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करें और हमारा एक्सेसरीज वाला वीडियो देखें।
ये दोस्तों एक फोर्क है, फोर्क की तरह है जो कि पिज्जा को पोप करने में काम आता है। कई बार क्या होता है कि अपना पिज्जा ज्यादा फूल जाता है तो उसको पंचर करना होता है ताकि उसकी हवा निकल जाए, उसकी भाप निकल जाए और वो बैठ जाए, तो ये भी काम की चीज है। उसके बाद पिज्जा बेक करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे मेरा पिज्जा नीचे गर्म हवा लग के कुछ अलग तरह से बेक होता है, नीचे से वो जैसे तंदूरी रोटी होती है उस टाइप का हो जाता है। ये पिज्जा की स्क्रीन है जो कि एक अमेरिका की पिज्जा चेन भी यूज करती है, और इसमें आपको दो तरह के टेक्सचर दिखेंगे, जहाँ पे स्क्रीन है वहाँ पे आपको पराठे जैसा टेक्सचर आएगा क्योंकि इसको ऑयल किया जाता है, और जहाँ पे होल्स है वहाँ पे आपको तंदूरी रोटी जैसा टेक्सचर दिखेगा क्योंकि वहाँ पे कोई ऑयल का कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है। तो आप इस स्क्रीन का भी यूज कर सकते हैं जैसे कि एक अमेरिका की पिज्जा चेन यूज करती है। और दोस्तों तीसरा ये पैन पिज्जा, पैन पिज्जा नीचे से क्योंकि इसको ऑयल किया जाता है, नीचे से देखने में आप बोल सकते हैं कि एक पराठे या एक सैंडविच या एक टोस्ट की तरह होता है जिसपे ऑयल लगा के जिसको आपने टोस्ट किया हो। तो पैन का यूज करके आप पिज्जा, जो मेरा पिज्जा होता है वो थोड़ा सॉफ्ट बनता है, और अगर हम स्क्रीन यूज करते हैं तो मेरा नीचे से पिज्जा क्रिस्प बनता है, और हम अगर इस तरह की स्क्रीन यूज करते हैं तो मेरा पिज्जा मिला जुला बनता है। तो आप अपना चूज कर सकते हैं आपको किस तरह का पिज्जा बनाना है। और ये मेरा डो डोकर है, डो डोकर का काम क्या होता है, जब हम पिज्जा का बेस बना के उसको पिज्जा को स्प्रेड करते हैं उसके बाद मेरे पिज्जा के बेस को इस पर अच्छे से इसको चलाया जाता है ताकि जो मेरा पिज्जा की बेकिंग है वो अंदर से डीप तक हो सके, इन होल जो इसकी वजह से होल्स होते हैं उसकी वजह से पिज्जा की जो बेकिंग होती है अंदर डीपली होती है। तो दोस्तों ये है पिज्जा पील, इसका काम पिज्जा को ओवन से निकालने में होता है क्योंकि पिज्जा बहुत हॉट होता है, तो आप इसकी सहायता से पिज्जा को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। वहीं मेरे आप इस तरह की सॉस की या चीज़ की बोतल रख सकते हैं जिससे आपका पिज़्ज़ा प्रिपरेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो और अगर आपको ये इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमेशा ही बटन पर क्लिक करके डिटेल वीडियो एक्सेसरीज के बारे में देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रूफर की। प्रूफर का इस्तेमाल आप पिज़्ज़ा को प्रूफ करने के लिए करते हैं, जब हम स्पाइरल मिक्सर में पिज़्ज़ा के डो को प्रिपेयर करते हैं उसके बाद उसको प्रूफ करने की ज़रूरत होती है। तो प्रूफर का फायदा क्या होता है, आपको एक फिक्स टाइम में आपका पिज्जा बेस प्रूफ हो जाता है, नहीं तो आपको लंबा वेट करना पड़ सकता है, और अगर आप पिज्जा बेस अगर पिज्जा प्रूफिंग का टाइम ज्यादा है तो हमारे डो के खराब होने के भी चांस होते हैं। वहीं सर्दियों में भी हमें प्रूफिंग में दिक्कत आती है, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो मेरा पिज्जा का बेस उठ ही नहीं पाता, यानी प्रूफ हो ही नहीं पाता है। तो आप प्रूफर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि बहुत सारे इंडियन जो अच्छा प्रोफेशनल पिज्जा बनाते हैं जनरली प्रूफर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रूफर के बाद आपको एक फ्रिज भी चाहिए जिसमें आपको अपना जो डो है प्रूफ हो जाने के बाद जिसमें आप रखते हैं, आप अपने डो को पैन के अंदर पीसीज में काट के यानी साइज का काट के उस तरह से रख सकते हैं, या अपने पूरा डो भी अपने आप टू डोर या फोर डोर फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपके पास आपको बजट कम रखना है तो आप इस मेक लाइन के नीचे भी एक फ्रिज होता है, इस तरह के फ्रिज भी यूज करके अपना डो रख सकते हैं। और हम दिखा रहे हैं कि अगर आपका थोड़ा बड़ा सेटअप करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह का फ्रिज यूज कर सकते हैं, तो आइए वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है आमतौर पर किचन में यूज होने वाला फ्रिज, ये टू डोर फ्रिज है, इसी तरह से एक फोर डोर फ्रिज भी होता है। टू डोर फ्रिज आमतौर पर 450 लीटर का होता है और फोर डोर लगभग 900 लीटर या 1000 लीटर का होता है। तो इसमें आप डो ट्रे यूज करके अपना जो पिज्जा का डो है और एक्स्ट्रा जो आपकी टॉपिंग्स है वो आप इसके अंदर स्टफ करके रख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार वापस आते हैं अपने इम्पिंजर पिज्जा ओवन पे। तो अगर आपको इम्पिंजर पिज्जा ओवन के बारे में डिटेल वीडियो देखनी है कि आपको ये पिज्जा ओवन क्यों लेना चाहिए, क्या इसका बेनिफिट है, तो आप प्लीज आई बटन पे क्लिक करें और इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो देखें। वहीं हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप इलेक्ट्रिक कन्वेयर ओवन के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वो भी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आप पूछेंगे कि इस तरह का पिज्जा सेटअप खोलने के लिए लगभग कितना खर्चा आता है, तो हमने मोटा मोटा आपको हर इक्विपमेंट की कॉस्ट बता दी है। जो आप अपना इम्पिंजर है वो 1,30,000 रुपये से कम, और जो अपना इलेक्ट्रिक कन्वेयर ओवन है वो 95,000 रुपये यानी 1,00,000 रुपये से कम, जो अपना टू डोर और फोर डोर फ्रिज है उसकी कीमत लगभग 70,000 से 80,000 रुपये होती है, अपना प्रूफर आपको लगभग 25,000 रुपये में मिल जाता है। तो आप इस तरह से जोड़ेंगे तो आप लगभग 3.5 से 4 लाख के इक्विपमेंट के खर्चे में अपनी एक छोटी पिज्जा की रेस्टोरेंट खोल सकते हैं और इन विदेशी कंपनियों को चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जानकारी दी कि कैसे आप एक प्रोफेशनल लेवल का पिज्जा चेन खोल सकते हैं या पिज्जा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, और वहीं अगर आप इस तरह का पिज्जा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम आपकी शेफ दिलाने में भी हेल्प करेंगे, जो कि आपको इस तरह का पिज्जा बनाने में हेल्प करे कि क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे,
क्या रेसिपी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह का पिज़्ज़ा सेटअप खोलना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट करें, इस यूट्यूब वीडियो पर कमेंट करें, हम हर कमेंट का जवाब देंगे। हमारा कॉन्टैक्ट और वेबसाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काम की लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी भी तरह के फूड बिजनेस से जुड़े हैं, बेकरी बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, या ऑलरेडी बेकरी चला रहे हैं, या शेफ हैं, या किसी रेस्टोरेंट से जुड़े हैं, या भविष्य में कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, या आप आइसक्रीम का बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के बिजनेस की जानकारी हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, आप हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये वाला वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।